अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार आज हम खेलने जा रहे हैं कंट्रा बैंड पुलिस। तो यार इस गेम में सीन ये है कि हम एक बनने वाले हैं बॉर्डर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। हमारी ड्यूटी ये होगी कि हमने जो कार आएंगी दूसरी मतलब के कंट्री से, कार या ट्रक वगैरह जो आती हैं, ठीक है, उनकी चेकिंग करनी होगी, उसमें कोई इलीगल वेपन या ड्रग वगैरह कोई ऐसी किसी चीज़ ना हो, तो ये हमारी ड्यूटी होगी। तो चलते हैं गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गेम स्टार्ट हो चुका है। ये क्या लिखा, कैरिकेट का बॉर्डर क्रॉसिंग। ओके, तो स्टार्ट में तो हम किसी वैन में हैं, तो ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, स्पेनिश टाइप लग रही है मुझे तो। सामने ये इसने डॉल रखी हुई है छोटी सी। ओके, तो ये एक ब्रिज है, ठीक है। तो ये भी एक पुलिस वाला है, तो आई थिंक ये क्या, इनको हेल्प चाहिए यार, ये रोक नहीं रहा। आई थिंक कि ये हमें ड्रॉप करने जा रहा है। तो ये सामने ये क्या, ओके, वी आर हेयर नाउ, रिपोर्ट टू द कमिश्नर। ठीक है, अभी हमें बाहर निकलना होगा, तो ये हम आगे बाहर डोर को करते हैं क्लोज। वो हमें जाके रिपोर्ट करना है कमिश्नर को, ठीक है। तो आई थिंक ये वही जगह है जहाँ हमारी ड्यूटी होगी, और वो पीछे ट्रक भी जा रहे हैं, ठीक है। और ये सामने ऑफिसर है। ओके, तो ये कॉन्स्टेबल है, ठीक है भाई, हमने इसके मुंह नहीं लगना। तो यहाँ से चलते हैं अंदर। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। तो इसका नाम कमिश्नर एंड्री, भी एंड्री ऐसा कुछ नाम है। तो ये हमारा वेलकम कर रहा है और कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पता नहीं कौन सी जबान बोल रहा है। चलो कोई नहीं, फर्स्ट गो इनटू द ऑफिस पिकअप योर ड्यूटी फोल्डर। तो अभी हमें जाना होगा ये ऑफिस के अंदर, और यहाँ से जाके अपना ड्यूटी फोल्डर लेना है। देखते हैं कौन सा ड्यूटी फोल्डर है हमारा। ओके, तो ये एक टॉर्च पड़ी है इधर ड्यूटी फोल्डर में, तो ये एक बुक टाइप पड़ी हुई है छोटी, और ये एक पीसी है, ये फैन चल रहा है, ये कुछ फैक्स मशीन पड़ी हुई है, सर्विस फोन, ठीक है। हम यहाँ से उठाते हैं ड्यूटी फोल्डर, और ये कुछ, ये कौन है, अच्छा ये जनरल सेक्टर। ओके, ये वेयर हाउस। ओके, तो इसने हमें बताया कि हमें वो ड्यूटी फोल्डर में सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने जो विजिटर्स आए हैं, जो कंट्री मतलब कि हमारी कंट्री में आए हैं, ठीक है, उनकी हमने सारी डिटेल चेक करनी है। अभी हम अपने ड्यूटी फोल्डर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये रहा हमारा बॉर्डर कंट्रोल ड्यूटी हैंडबुक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट पेपर चेक, ठीक है, नेम और श्योर नेम इसको चेक करना होगा, एक्सपायरेशन डेट चेक करनी होगी, पासपोर्ट नंबर चेक करना होगा, और फोटोज, बस ये चार चीज़ें हमने चेक करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सर्वे कर लेते हैं, डन है भाई। ओके, तो ऐसे हमें सारी मतलब के कार वगैरह को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है यार। ओके, तो अभी हमें बाहर चलना है जाके, आई थिंक ठीक है। तो हमें उधर जाके, और ये क्या लिखा है, पुलिसिका, पुलिस का, तो यार ये कौन सी ज़बान है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। तो अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या मेरे हिसाब से कोई स्पेनिश है, रशियन में, पता नहीं कोई ऐसी ज़बान है। तो ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड, पुल द लीवर। ओके, तो इसको हमने पुल करना है इस लीवर को, ताकि ये जो व्हीकल है वो अंदर आए, ठीक है। तो अभी ये कंट्री इन हो रहा है, ये सामने इस कंट्री का फ्लैग भी है। तो अभी देखते हैं हमें क्या करना है। तो अभी हमें ऐसे बोलना है कि ये अपने पेपर चेक करवाए, ठीक है, कहना है ये डॉक्यूमेंट। ओके, तो अभी इसका हम चेक करते हैं।
नेम, ओके नेम तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, ओके श्योर नेम इसका, सॉरी, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, पासपोर्ट नंबर इसका, ये रहा, ये भी मैच कर रहा है, वेरी गुड। और वैलिड टू, ओके, डेट ऑफ एक्सपायरेशन चेक करते हैं, कांट मैच। तो फोटो भी इसकी, हाँ मैच हो रही है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरेशन डेट है वो मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी हमें इधर इसको परमिशन देनी है या अप्रूव करना है डिनाई, क्योंकि इधर इसका जो डेट ऑफ एक्सपायरेशन है वो मैच नहीं कर रहा, तो हमें इसकी, इस कंट्री के अंदर एक्सेस नहीं देनी चाहिए। तो अभी इसे डिनाई करते हैं और वापस भेजते हैं। चल बेटा, ऑलराइट। तो ये जा रहा है वापस, निकलो। ओह नो, ये क्या हुआ? अरे भाई, खुद ही तो बोल रहा है कि मिसमैच वाले को, मतलब के एंट्री नहीं देनी कंट्री में, अजीब ही सीन है इनका। चलो अभी हमें $100 की पेनल्टी पड़ गई है, कोई मसला नहीं है। पहला दिन और पहली गाड़ी, खराब जॉब। तो इसे अपने डॉक्यूमेंट का पूछते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दे, ये डॉक्यूमेंट है इसके, ओके। साथ साथ हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी रेडी करनी है। तो ग्रांटेड, ठीक है। तो मैच कर रहा है पासपोर्ट नंबर इसका, ये भी मैच कर रहा है, वैलिड टू, यार ये मैच नहीं कर रहा। तो भाई इसका एक्सपायरेशन डेट जो उनसी है वो मैच नहीं कर रही। और एंट्री इज एन वर्क, इस बार से एक्सेस दे के देखते हैं। तो ले भाई, तो जा सकता है। अरे यार क्या सीन है, क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं, एक्सपायरेशन डेट। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो भाई $200 की हमें पेनल्टी पड़ चुकी है, नेम, श्योर नेम, एक्सपायरेशन डेट, पासपोर्ट नंबर, ओके। और जाके अपनी ड्यूटी पे देते हैं दोबारा ध्यान। पीछे अभी हमारी दो कार पड़ी हैं। तो यार पहली दिन हमारी बहुत ही बुरी किस्मत चल रही है, हमने किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। चेक करते हैं हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अभी ये अंकल जी आए हैं, ओके, गुड डे टू। डॉक्यूमेंट इनसे लेते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैच करते हैं, मैच है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर, ये भी मैच है। तो ये कांड मैच, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इसकी जो एक्सपायरेशन डेट है वो मैच नहीं हो रही। फिर से करते हैं क्लोज, और इसको हम एंट्री नहीं देंगे क्योंकि ये, हाँ, एंट्री वर्क के लिए आया है और इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरेशन है वो मैच नहीं हो रही। चल बेटा वापस चल, बताता हूँ तुझे। तो अभी एक अगली कार आई है, इसको देखते हैं इसका क्या सीन है।
तो इस बार ना मैं पूरा फोकस करना है। ला भाई अपने डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसका नाम और ये नहीं मैच कर रहा। अच्छा, उसके बाद पासपोर्ट, ये मैच है। वैलेट, ये भी मैच नहीं भाई, ये तो पक्का जाएगा ना। श्योर नेम नहीं मैच, एक्सपायरेशन डेट नहीं मैच। हाँ, पासपोर्ट नंबर ओके है, बाकी ये बंदा है ठीक है। फोटो भी नहीं मैच कर रही। हाँ बिल्कुल, इसकी तो पिक्चर भी मैच नहीं कर रही। तो इसे तो नहीं हम जाने देंगे। हाँ, चल चल निकल यहाँ से। तो अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हमें फाइनल मिलता है। ओके, तो फाइनली हमें $100 मिला है, $100। चलो, 200 रह गया पीछे। ओके, तो अभी रेस्ट का टाइम है, हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट में और जाके थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर अगली सुबह और कार को चेक करेंगे। ओके, तो यार कल वाला दिन तो हमारा बहुत ही ख़राब था, मतलब तीन हमें प्लंटी पड़ी है, चेक कर सकते हो आप। और इसमें से हमारे पास जो टोटल बैलेंस बचा है वो $15 बचे हैं। चलो कोई मसला नहीं है। तो कल का दिन तो बहुत खराब था। ओके, Rusko mnie nasze wywiadu Ilias Maduro dostawić za wam straszne informacje. Armacie idą, a wajcie lista aż informacji po trakach. ओके, तो हमारे जो वो कमिश्नर है उसने हमें बताया है जिस कि आजकल कोई मतलब कि ना गैंग वगैरह चल रही है, जो कुछ चीज़ें समगल करके लेके जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो हमें उसका उस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ना है। Wy madre poszukacie ściem, który pasujcie opisani. Nemnica, nuracho kontrabandu, a szajadić, ać akaristanska. ओके, तो Potrzymko, aż ये दो स्मगलर हैं, ये दो स्मगलर हैं ठीक है, जो कल रुके नहीं थे। और एक ये है कि जो स्नेक लेके जा रहा है कोई, आई थिंक हाँ ठीक है, ड्राइवर इसकी जो एज है 36 है। तो हमारे पास मतलब नॉर्मल सी मालूमात है, तो हमने उस बंदे को पकड़ना है जो स्मगल कर रहे हैं। ओके, Widać naszego estio potrylnika, a questiona jego wychodzi a spasinu. Eto posukati kontrabandu. तो ये सस्पेक्ट है हमारा, इसकी कार को भी हमें प्रॉपर चेक करना पड़ेगा ठीक है। सबसे पहले इससे इसके ना डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। Atrish, akrobrotaj. इसका नाम चेक करते हैं, मैच है। पासपोर्ट, ये भी मैच है। वैलेट टू, अच्छा ये विजिटर है ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा। एक्सपायरेशन डेट मैच नहीं कर रही ठीक है। और इसे बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, चल भी कार से बाहर आ। हाँ, अभी ये लाइट ऑन करते हैं, चेक करते हैं क्या स्मगल करके लेके जा रहा है। ओके 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 ओके, ये मिल गया। तो यार ये एक स्नेक है। हाँ,
ये स्नेक को लेके जा रहा था, ठीक है। तो अपना नाइफ निकालते हैं, नाइफ ही नहीं है हमारे पास। ओके तो उधर से लेके आना पड़ेगा, तो चलते हैं जल्दी से, अभी इधर ही रहीं, भागे मत, भागे के जाएगा भी कहाँ। ओके तो इसने अपनी सीट में छुपाया हुआ था यार, इस बंदे का दिमाग तो चेक करो, कुछ ज़्यादा ही चलता है। ओ नो, इसमें डॉलर, ये क्या चीज़ है? ओके तो ये मेरा ख्याल है किसी मतलब कंट्री की करेंसी है, ठीक है, तो इसको भी लेके जा रहा है। अरे तेरी तबीयत तो मैं सेट करता हूँ, रुक सही। तो इसमें चेक करते हैं, इसमें तो नहीं कुछ, और इसमें नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इसमें चेक करते हैं, ओ कोकेन, कोकेन लेके जा रहा है भाई, कोकेन की स्मगलिंग कर रहा है। इसके पास में करेंसी भी निकली है, स्नेक निकला है, कोकेन भी निकली है। बेटा अब तू नहीं तो बचेगा। ओके तो हमने अब इसे अरेस्ट करना है, आजा बेटा, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से, चल। तो इसको तो हमने अरेस्ट कर लिया एक को, अभी इसे हमने सेल में डाल दिया है। तो सेल आप चेक कर सकते हो, लाइट है, वॉशरूम है, ठीक है, इसका बेंच यहाँ ही सोएगा। चल बे, अब सारी उम्र इधर ही रही। अब आया ना लाइन पे। तो लाइट चलती रहने देते हैं, डर ना जाए बेचारा। ओके तो ये है हमारा वेयर हाउस, तो ठीक है, इसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। ओके तो हमने कुछ मतलब कि ना इस बंदे से कंट्री की करेंसी हमें बरामद हुई है, वो इसमें रखते हैं वेयर हाउस में, सारी की सारी, ठीक है। और कोकेन इससे बरामद हुई थी, उसको भी इधर ही रखते हैं। तो अभी वेयर हाउस को करते हैं बंद, इसका दरवाज़ा बंद करते हैं, और इसका भी दरवाज़ा बंद करते हैं, लॉक करते हैं इसे, और यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो ये फैन बिला वजह चल रहा है, आगे लाइट का मसला है, और फैन जो है ऐसे चली जा रहा है। तो अभी कॉन्स्टेबल से बोलते हैं कि इसको साइड पे करें। यस ओके तो कार को हटा दिया गया है, और ये सामने कुछ टूल पड़े हैं, टूल देखते हैं। ओके आइस एक्स है, क्रोबार ये भी काम आएगा, और ये पिच फॉक, ठीक है, ये भी काम आएगी। तो अभी हमें वापस अपनी पोजीशन पे चलना चाहिए। ओके ठीक है, तो इस वैन को बुलाते हैं। यार आज का दिन सही जा रहा है हमारा, पहला बंदा ही हमने पकड़ लिया। ओके एक बंदे को हमने पकड़ लिया, एक और रहता है अभी। सबसे पहले तो इसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ऊपर क्या दे रहा है हमें। चल ठीक है, नेम इसका मिसमैच, वेट वेट वेट, मिसमैच, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये दूसरा बंदा यही लग रहा है मुझे, मिसमैच। ओके ये भी नहीं मैच, ये बंदा मैच कर रहा है कि नहीं, बंदा भी नहीं मैच, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसका, ठीक है। और इसको करते हैं क्लोज, सबसे पहले तो इसकी कार की चेकिंग करते हैं, ठीक है, अपनी यूवी लाइट ऑन करते हैं, कुछ चीज़ तो नहीं लेके जा रहा था ये। आई थिंक इसके पास चीज़ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नाइफ को अंदर रखते हैं, ऐसे डर जाएगा बेचारा। ओके तो ये डर के वैसे उतर गया, अबे भाग तो नहीं जा रहा है, भाग गया भाग गया भाग गया, नहीं इधर ही है, इधर ही है, ठीक है।
लेके तो ये कुछ नहीं जा रहा, तो चक्कर क्या है? फिलहाल इसको तो अलाउ ही नहीं कर सकते हम। तो भाई तेरा कुछ भी मैच नहीं, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, निकल तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल, इसके ट्रंक को बंद कर देते हैं। अभी चेक करते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं। वैसे ये इसका कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, इसे अरेस्ट करना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो हमने इसे ऐसे जाने दिया है। ओके नहीं ठीक है ठीक है, हमने अच्छा किया। तो अभी एक स्मगलर रह गया है, एंड फ्रेंड इन साइड द ब्लैक स्नेक गैंग ऑब्टेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अभी इसको तो हमने पकड़ लिया है। चलो तो यार आज के दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारा। अभी अगली जो कार है उसको हम बुलाते हैं। आ जा यार जल्दी कर। तो गाइस अभी मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो अंकल जी की मुझे चेक करो आप। अबे पेपर निकाल अपने। हाँ हाँ अंकल जी की मुझे मैच कर रही हैं। ओके नाम मैच है, पासपोर्ट नंबर ये भी मैच है। अच्छा ये टूरिज्म है, ठीक है। वैलिड टू ये नहीं मैच कर रहा। रिपोर्ट जनरेट करते हैं ये चीज़, और ज़रा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है मैं चेक कर लेते हैं कोई चीज़ तो नहीं लेके जा रहा। अपनी लाइट ऑन करते हैं। हाँ ठीक है अभी ज़्यादा ना सिखा मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल बेटा। अगर कोई चीज़ निकल आई ना फिर तुझे मैं बताऊँगा। तो बैक ट्रंक में चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है। और फ्रंट पे इसके इंजन में तो ना कोई कोकेन वगैरह लेके जा रहा जैसे वो बंदा लेके जा रहा था, नहीं। तो बहुत ही पुरानी मतलब ओल्ड विंटेज कार है ये, बंदा लेके तो कुछ नहीं जा रहा। आई थिंक इसे हमें जाने देना चाहिए। ओके ये तो बड़ा खुश हुआ है। अभी चेक करते हैं हमें पेनल्टी पड़ती है या फिर रिवार्ड मिलता है। ओ नो तो यार हमारा $100 कट गया। मैं भी कहूँ कि हर चीज़ ठीक हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है? आई थिंक टूरिज्म को ये अलाउ नहीं करते, और जो वर्क वाले उसे सिर्फ परमिट देते हैं। ठीक है अच्छा तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ना है। हाँ जी अंकल जी अपने पेपर निकालो। जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट। तो यार इनकी लैंग्वेज पता नहीं कौन सी है। ये अंकल जी की फोटो मैच कर रही है। हाँ ठीक है। इनका नेम मैच, इनका पासपोर्ट नंबर ये भी मैच। ओके फाइन। वैलिड टू नो। तो भाई एक चीज़ नहीं इसकी मैच, वो है एक्सपायरेशन डेट। तो इसे जाने देते हैं, इसका जो वर्क वीज़ा है। हाँ ठीक है। ओ सॉरी जाने से पहले हमने वो चेक करना है, इसकी कार को चेक करना है। आजकल स्मगलिंग बहुत हो रही है। अबे चुप कर बेटा, अगर हेरोइन वगैरह मिल गई कोकेन मिल गई तो फिर तुझे बताऊंगा मैं। लगता तो नहीं कि इसके पास कुछ हो, शरीफ ये लगता भी नहीं है। ओके तो शराफत से ये खुद ही उतर गया है। कुछ है तो नहीं। ओ स्नेक 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 स्नेक, देखा मैं भी कहूं कि अंकल इतना शरीफ कैसे हो सकता है। तुझे बताता हूँ बेटा क्या कर रहा हूँ मैं। ओ नो इसके पास तो करेंसी भी है। तो भाई दो स्मगलर हमने पकड़ लिए हैं। बताता हूँ तफसील से बताता हूँ। और कोई चीज़? ओ ये क्या कर रहा है? अरे ये एक मिनट, इसने हमें समझा क्या है? ये क्या कह रहा है बेटा तू? तू इधर इधर आ। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे पास इतनी चीज़ें बरामद हो रही हैं।
संभाला। ओ फाइनली हमने मतलब दोनों क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया, दोनों एक दूसरे के भाई भाई लगते हैं मुझे, बस थोड़ा बहुत ही चेंज है, उसे क्लासेस लगी ऐसे क्लासेस नहीं लगी। चलो बेटा अब अंदर है ना 3-4 साल के लिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अभी चलते हैं सेल से बाहर। अभी वो पछता रहे हैं, न्यू स्मगलिंग वाज अ बैड आइडिया, आई कैन फॉलो। हाँ अभी समझ लगी ना तुझे। तो अभी ये कॉन्स्टेबल बैठा मजे कर रहा है, फुल स्मोकिंग कर रहा है। अबे चल गंजे उठ। ओके ओके तेरा तो बाप भी करेगा। तो आगे कोई? ओके तो आई थिंक आज का काम मुकम्मल हुआ, हमें अगेन जाना चाहिए, जाके अपनी नींद वगैरह मुकम्मल करनी चाहिए। ठीक है तो चलते हैं। आज तो हमारा तकरीबन जो दिन था वो ठीक गुजरा है, पहले दिन की नस्बत काफ़ी मज़ा भी आया। ठीक है दो हमने क्रिमिनल को पकड़ा, एक को जाने दिया वो गलती से, वो क्रिमिनल नहीं था वो टूरिज्म था। तो ऑल राइट यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा है तो इस गेम प्ले को लाइक 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 करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मज़ीद आने वाले गेम प्ले के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।